दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये खेड़ी पुल से और हम 17-18 का जो रेड लाइट है उसकी तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ का अपडेट काफ़ी टाइम से मैंने दिया नहीं था। तो ये देखिए, रोड के साथ साथ काफ़ी इंक्रोचमेंट को हटा दिया गया है और बहुत ही पीछे कर दिया गया है। अगर आपको पुरानी बात याद हो तो जब ये रोड बड़ी हो रही थी तो तब पहले इनको थोड़ा पीछे किया गया था, इन मकान और छोटी झुग्गियों को। अब ये और पीछे कर दिया गया है। हालांकि राइट साइड में अभी कोई कंस्ट्रक्शन का खास काम नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए, यहाँ पर मिट्टी बिछा के और जो ड्रेनेज वाली पाइप है वो तक बन गई है और पूरा का पूरा एरिया पीछे कर दिया गया है। बहुत तेज़ी से काम हो गया है इस पूरे स्ट्रेच के ऊपर। अब फरीदाबाद की इस जो बाईपास रोड पे काम हो रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, बहुत तेज़ी से हो रहा है। कई जगहों पे आपने देखा होगा पानी भरा हुआ था, वो भी मिट्टी फिलिंग कर दी गई है वहाँ पर। और ये देखिए, पूरा का पूरा एरिया समतल कर कर ड्रेनेज पाइप वाला एरिया भी बना दिया गया है और काम चल रहा है उसके ऊपर। कुछ दिनों में ही यहाँ की हालत आप देखेंगे बहुत ही सुधर जाएगी और ये पूरा एरिया साफ़ सुथरा नज़र आएगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए रास्ता आपको चलता फिरता नज़र आएगा। थैंक यू दोस्तों, राकेश कोचर साइनिंग ऑफ़।